नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। बीजेपी एमएलए गोशामहल कॉन्स्टिट्यूएंसी के राजा सिंह ने ये कहा कि बारिश में जिस जिस के घरों को नुकसान पहुंचा है, हुकूमत की जानिब से इन्हें 10,000 रुपए देने का ऐलान किया गया था। फिर हुकूमत की ही जानिब से ये ऐलान किया गया कि इलेक्शन कोड आ गए हैं, अब ये पैसे नहीं दिए जाएंगे। टीआरएस गवर्नमेंट पे राजा सिंह ने ये इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन भी इन्हीं का होता है और इन्हीं की मर्जी से ऐलानत करता है, और इलेक्शन कमीशन को कहकर ये गरीबों को जो पैसे देने वाले थे वो रुकवा दिए गए हैं, ये कहना राजा सिंह का है। आइए देखते हैं राजा सिंह ने आखिर क्या कहा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने अभी अभी जो बरसात के कारण जिनको लॉस हुआ था उनको अकाउंट में 10,000, अगर मी सेवाओं में अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाएंगे, ऐसा केटीआर साहब ने अनाउंस किया था। लेकिन आज देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके हाथ में है? टीआरएस के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। निर्णय यही लोग लेते और फिर पैसे नहीं डालेंगे अकाउंट में, आज से बंद निर्णय भी फिर ये लेते। तो मैं सभी जनता को कहना चाहूंगा कि आज से आप मी सेवा के चक्कर ना काटे, क्योंकि आज से आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं जनता को यह कहना चाहूंगा कि देखिए आपकी भावना से किस प्रकार से खेला गया। 10,000 रुपए गरीब के लिए कितनी बड़ी बात है ये आप और मैं समझ सकते हैं। आज कोरोना वायरस बढ़ते जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग मौत की परवाह ना करते हुए, कोरोना वायरस की परवाह ना करते हुए फिर भी आप लाइन में खड़े रहे और आज तुरंत वो बंद किया जाता है। मैं आपको कहना चाहूंगा एमआईएम के क्षेत्र में हर घर को पैसा दिया गया, घर घर डोर टू डोर पैसा दिया गया, लेकिन आपको पैसा नहीं दिया गया। हर वो टीआरएस के कार्यकर्ताओं को पैसा दिया गया, लेकिन आपको पैसा नहीं दिया गया। बाजू के गली के टीआरएस के लोगों को पैसा दिया गया, लेकिन आपको पैसा नहीं दिया गया। हम बहुत कोशिश करें कि हर घर को पैसा मिले, जिन जिन को लॉस हुआ हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न किया। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी ऑफिसर आता था कॉर्पोरेटर के ऑफिस में बैठता था, या कॉर्पोरेटर उसको लेकर उसके जान पहचान के लोगों को पैसा देकर वो ऑफिसर चले जाता था। इस तरह से आपकी मनोभावना से खेला गया। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आज आपके साथ कौन खड़ा हुआ है और आपको कौन धोखा दिया, 3 दिन से लाइन में किसने आपको खड़ा किया, ये सोचने और समझने की आवश्यकता है। ये मैं आप सबको कहना चाहूंगा। प्रार्थना है सदा हम आपके लिए लड़ते रहेंगे, कृपया करके आज से आप मी सेवा सेंटर के पास ना जाए, क्योंकि टीआरएस सरकार ने ऑनलाइन पैसे देना बंद कर दिया है। पता नहीं इलेक्शन के बाद भी पैसा देगी नहीं देगी, लेकिन हम इलेक्शन के बाद में भी आपके हक में हम लड़ेंगे और आपको पैसा मिले वो हम आखिरी दम तक हम फाइट करेंगे। धन्यवाद। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज आपकी आवाज़।